students, my name is Vishnu Sharma, lecturer computer science, government polytechnic college, Dausa se. Aaj ke ee lecture mein hum bitwise operators in C programming language ke baare mein padhenge. Hamara ye lecture jo hai board of technical education Rajasthan ke subject code CS201, EL210, ME210, C programming language subject se related hai. आज के ही लेक्चर में हम बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं उन्हें बाइफरकेट करेंगे उनके मीनिंग को हम विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं क्या काम करते हैं फाइनली हम एक प्रोग्राम के थ्रू इन बिटवाइज ऑपरेटर्स को रन करवा कर देखेंगे और इनके मीनिंग को और बेहतर तरीके से प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर ड्यूरिंग कंप्यूटेशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ईटीसी आर कन्वर्टेड टू अ बिट लेवल व्हिच मेक्स प्रोसेसिंग फास्टर एंड सेवर पावर बेसिकली आप ये कह सकते हैं जितने मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होती है जितने मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो अगर बिट लेवल के ऊपर किए जाएं तो वहाँ बिट वाइज ऑपरेटर काम में आते हैं और बिट लेवल के ऊपर ये ऑपरेशन और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने का फ़ायदा क्या होता है इससे हमारा प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्ट बिट लेवल के ऊपर काम करते हैं ठीक है डायरेक्ट हम बाइनरी कोड्स के ऊपर काम करते हैं इससे हमारा पावर भी सेव होता है और हमारी प्रोसेसिंग भी फास्ट हो जाती है तो ये बहुत एफिशिएंट होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर बिट लेवल के ऊपर काम करने के कारण ये सी को लो लेवल फीचर प्रोवाइड करते हैं हम कहते हैं ना कि सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज विद लो लेवल फीचर्स वहाँ लो लेवल फीचर्स आपको बिट वाइज ऑपरेटर की हेल्प से प्रोवाइड होता है सी लैंग्वेज को बिकॉज लो लेवल फीचर से आप क्या समझ रहे हैं यानी बाइनरी लेवल पर काम हो रहा है और बाइनरी लेवल पर काम किस तरह से हो रहा है बाइनरी लेवल पर काम हो रहा है बिट वाइज ऑपरेटर्स से बिकॉज ये बिट लेवल पर जाकर काम करते हैं बिट लेवल पर जाकर इनकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग किस तरह की होती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब के ऊपर इवन मल्टीप्लाई भी होता है डिवाइड भी होता है सब्ट्रैक्शन भी होता है एडिशन भी होता है जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर में बिट लेवल पर जाकर ही होते हैं तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल फीचर भी प्रोवाइड करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है विथ लो लेवल फीचर्स ठीक है बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशंस ये हमने क्लियर कर ही लिया कि बिटवाइज ऑपरेटर्स जो सी लैंग्वेज में होते हैं वो परफॉर्म करते हैं बिट लेवल ऑपरेशंस को देखिए आप अपनी टेबल में देख पा रहे होंगे ये जो सिक्स ऑपरेटर्स हैं ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं ठीक है और ये इनके मीनिंग है टेबल में सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में एक एग्जांपल के थ्रू हमने इनको समझाने की कोशिश की है ठीक है एंड बिटवाइज एंड फर्स्ट जो है ये एंड है बिटवाइज एंड ठीक है बिटवाइज एंड इसमें क्या होता है बाइनरी एंड ऑपरेटर कॉपीज ए बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड ये एक तरह से एंड गेट की तरह काम करता है और एंड गेट की तरह काम कैसे करता है सपोज कीजिए आपको ए और बी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है क्या लॉजिकल एंड का ठीक है तो ये एंड गेट की तरह ही काम करेगा कि अगर आपके पास दो बिट जो हैं और दोनों बिट अगर वन वन हैं और वन वन के ऊपर आपने बाइनरी ये बिटवाइज ऑपरेटर एंड लगाया है तो ये एंड ऑपरेटर का रिजल्ट वन ही आएगा
लेकिन आपने 1 0 के ऊपर आपने बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाया तो उसका रिजल्टेंट 0 मिलेगा हमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। ये जो सेकंड है ये बिटवाइज और ऑपरेटर है, तो बिटवाइज और ऑपरेटर बिल्कुल और एट और गेट की तरह काम करता है। तो इसके अंदर वही होता है कि 0 1 1 1 1 1 0 1 और 0 0 का रिजल्टेंट क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला ऑपरेटर है ये XOR है, ठीक है, XOR ऑपरेशन की तरह काम में आता है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे होंगे आप A XOR B, तो इस ऑपरेटर में होता क्या है कि आप अपने ऑपरेशंस के अंदर XOR गेट के ऊपर जो ट्रुथ टेबल परफॉर्म होती है उसी तरीके से आप अपने इस बिटवाइज ऑपरेटर को काम में लेते हैं। हम आगे फर्दर एग्जांपल देखेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर हम कर पाएंगे इन सभी ऑपरेटर्स को। ये है बाइनरी कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये जो टेडल साइन है ये वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपने जिस भी ऑपरेंड के ऊपर ये ऑपरेटर लगाया है तो इसके बाइनरी बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1, इसे कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये फ्लिप कर देता है किसको, बिट्स को, बिट्स को ये ऑपरेटर फ्लिप कर देता है। और अगर आपका बिट, सपोज कीजिए आपका बिट ये है, तो इसमें अगर इसके ऊपर आपने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट अगर इसका ले लिया ये टाइडल बिटवाइज ऑपरेटर लगाकर, तो आपका क्या होगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 0 1 1 1 1 0 0, तो इस तरीके से कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को फॉलो करवाता है, ये फ्लिप कर देता है बिट्स को, 0 को 1 में और 1 को 0 में, ठीक है। ये जो है ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो है बाइनरी का, ये बिटवाइज ऑपरेटर का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है एक से, और राइट मोस्ट बिट के अंदर क्या लगा देता है, 0 ऐड कर देता है, ठीक है। अगर अगर आपके इसके अंदर हम नंबर देते हैं, अगर 2 से इसको शिफ्ट करवाना होता तो 2 बिट शिफ्ट हो जाती है, 3 से शिफ्ट करवाना तो 3 बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, 1 से शिफ्ट करवाना तो 1 टाइम ही लेफ्ट का है ना, ये जो बिट होगी 1 टाइम ही शिफ्ट होगी लेफ्ट में, ठीक है। ऐसे ही राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है बिटवाइज का, ये बिट्स को राइट के अंदर शिफ्ट करता है और लेफ्ट मोस्ट बिट के अंदर 0 लग जाता है। इसमें भी वही नंबर का गेम है, अगर आपका 1 इसके साथ है तो 1 टाइम ही शिफ्ट होगा, 2 इसके साथ है तो 2 टाइम शिफ्ट हो जाएगा राइट में, 3 अगर इसके साथ है तो 3 टाइम्स ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर है ये बेसिकली बिटवाइज का। हम एक ये छोटा सा प्रोग्राम है इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसी को रन करके देखेंगे हमारे IDE में कि ये रन करके आउटपुट किस तरीके से शो कर रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे सी प्रोग्राम ऑन वर्किंग ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो ये डबल स्लैश का क्या मीनिंग होता है, डबल स्लैश का मीनिंग होता है कि ये आपके कमेंट लाइन है, कमेंट है, यानी इसके बाद का इस लाइन का कोई भी टेक्स्ट आपके कंपाइलर के थ्रू कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। देन इसके बाद आपने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है। फिर मेन फंक्शन हमने लिया और कर्ली ब्रेसेस से इस मेन फंक्शन को चालू किया, ठीक है, ओपन किया। आपका मेन फंक्शन यहाँ से लेके लास्ट
करली ब्रेसेस तक मेन फंक्शन जा रहा है। इनके बीच में आप सारा कोड आपका लिखेंगे जो आपको टास्क परफॉर्म करवाना है आपके प्रोग्राम में, ठीक है। अब आपने अनसाइंड इंट ए एक वेरिएबल लिया, किस तरीके का लिया, अनसाइंड इंट ए, ठीक है, और इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया अनसाइंड, जिसकी आपने कितना लिया वैल्यू 60। अब 60 का बाइनरी डिवीजन किस तरीके से होगा, क्योंकि ये 8 बिट में आएगा इसका, तो ये मतलब 2 बिट का है इंटीजर, 2 बिट वैल्यू रखता है, ठीक है, 2 बिट, तो 2 बिट, ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका इस 60 को आप जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 60 का बाइनरी कन्वर्जन है। इसी तरीके से अनसाइंड इंट बी 13 के अंदर 13 का बाइनरी कन्वर्जन यही होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमने इंटीजर टाइप का एक सी वेरिएबल और ले रखा है, जिसकी वैल्यू आपने क्या कर रखी है, 0। अब आपने क्या किया, सी इक्वल टू ए बिटवाइज एंड ऑपरेटर बी, यानी ए और बी का आपने बिटवाइज एंड निकाला है और उसको सी में ट्रांसफर कर दिया। अब ए आपका ये है, बी आपका ये है, और बिटवाइज एंड आपका क्या कहलाता है कि आपके ये एंड गेट की तरह काम करेगा, दोनों वन होंगे तो उसका रिजल्टेंट वन आएगा, अदरवाइज दोनों में से एक भी अगर जीरो होगा या दोनों जीरो होंगे तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। तो आप देखिए ये ए की बिट्स हो गई, ये बी की बिट्स हो गई, इन दोनों का अगर आपको बिटवाइज एंड निकालना है तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 1 0, 0 0 0, 1 1 1, 1 1 1, 1 0 0, 1 0 0, 0 0 0, 0 0 0, तो ये आपका फाइनल रिजल्टेंट आ गया। और रिजल्टेंट को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना वैल्यू रख रहा है, 12, यानी इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना रख रहा है, 12, यानी आपका सी इक्वल्स टू ए बिटवाइज एंड बी ऑपरेटर के थ्रू जब इसका रिजल्टेंट निकला तो वो कितना है, 12, ठीक है। इसको हमने प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू लाइन 1 वैल्यू ऑफ सी इज मॉड्यूलस डी, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड्यूलस डी, बिकॉज आप यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो और ये बैकवर्ड स्लैश एन फॉर लाइन चेंज, ठीक है, तो सी वेरिएबल आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया लाइन 1 में। सेकेंड जो है आप सी इक्वल्स टू ए और बिटवाइज और ऑपरेटर बी, ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ए के बाइनरी बिट्स हो गए, ये बी के बाइनरी बिट्स हो गए। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बिटवाइज ऑपरेटर आपके बिट लेवल पर काम करता है, इसलिए हमने ये आपके बिट्स के अंदर इसको डिवाइड किया है, ठीक है, बाइनरी हमने कोड इसलिए लिखा है इसका, है ना। ये जो है आपका बैकवर्ड स्लैश स्टार एस्ट्रिक साइन स्टार और बैकवर्ड स्लैश, ये भी आपका कमेंट सेक्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये कोड भी आपका क्या नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। अब आपका जो इसका ए बिटवाइज और ऑपरेटर बी जो इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इसका भी सेम है जिस तरीके से आपका और गेट काम करता है, तो 0 1 1, 0 0 0, 1 1 1, 1 1 1, इस तरीके से 1 0 1, 1 1 1 0 1, 0 0 0, 0 0 0, तो इस तरीके से आपने ये बिटवाइज और ऑपरेटर के थ्रू ए बिटवाइज और बी ऑपरेटर के बीच में आपने रिजल्टेंट निकाल लिया। इसी तरीके से इस सी को आपने क्या करा दिया, फर्दर लाइन 2 के अंदर इसको प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, सी यहां पर XOR निकाल रहे हैं आप, XOR में तब ही XOR में क्या होता है, XOR जो आपका ये आप निकाल रहे हैं तो आपके जब डिफरेंट बिट्स होंगी तब इसका
रिजल्टेंट क्या होगा, वन होगा। अदरवाइज जैसे ही सिमिलर बिट्स मिलेगी, इसका रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए डिफरेंट बिट, जीरो वन वन, जीरो जीरो वन 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 वन, तो ये तीनों जीरो क्योंकि सेम बिट आ गई, वन वन हो चाहे जीरो जीरो। इसी तरीके से ये दोनों डिफरेंट, तो आप इस तरीके से आप अपना एक्स और देखिए, ये डिफरेंट तो ये वन वन, ठीक है। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं, ये सिमिलर तो ये जीरो जीरो, तो ये एक्स और हो गया आपका, ठीक है। ऐसे लाइन नंबर थ्री को आपने प्रिंट करवा लिया। अब ये जो आप अपना कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये टाइडल साइन है जो कि बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने ए का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो जो ए के सारी बिट्स हैं वो जीरो की जगह वन और वन की जगह जीरो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये जीरो जीरो था, ये वन वन हो गया, ये वन 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 था, और ये चार जीरो हो गए, और ये जीरो जीरो की जगह वन वन हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आपने प्रिंट करवा दिया। ये सारे ऑपरेशंस बिट लेवल पर ही होंगे क्योंकि ये बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। इसी तरीके से आप अपने लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने, टू प्लेसेस तक, तो ए को लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये बिट्स टू बिट्स तक लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, यानी ये दो जीरो हट जाएंगे और यहां दो जीरो लग जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, जो 60 था वो अब कितना हो गया, 240। और इसी तरीके से आपने इसको क्या किया, इसको प्रिंट करा दिया आपने। अब आपने नेक्स्ट में राइट शिफ्ट कर दिया, टू से टू प्लेसेस थे, ठीक है, राइट शिफ्ट कर दिया टू प्लेसेस से, तो ये आपने यहाँ पर इसको राइट शिफ्ट किया, तो ये दो शुरुआत के डिजिट्स हट जाएंगे और लास्ट में टू जीरो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ टू प्लेसेस तक आपको इसको राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको भी प्रिंट करवा के लाइन नंबर सिक्स में चेक करा लिया। अब हम इन्हीं सब को रन करवा कर देखेंगे कोड को।